सर जो हुआ ही नहीं उसके लिए सजा तो नहीं दे सकते ना टीचर नु, अब आगे से ध्यान रखेगी ना। पंच जी आपसे किसने कहा कि कुछ नहीं हुआ है? मैं मानता हूँ कि इसके शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं है, पर जितना कोमल बच्चों का शरीर होता है ना उससे कहीं ज्यादा कोमल उनका मन होता है, और वीरा के मन की चोट आप सब लोग देख चुके, क्या उस पे बीता है आप सब लोग देख चुके अच्छी तरह। देखिए ये जो बच्चे होते हैं ना ये गीली मिट्टी की तरह होते हैं, और जो अध्यापक होते हैं वो कुम्हार की तरह होते हैं। कुम्हार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से किस सलीके से उस मिट्टी को नया रूप दिया जाए, पर यही कुम्हार अगर उस मिट्टी को लापरवाही से रौंदेगा तो क्या होगा? कुम्हार के हाथ की गलत खरोंच से मिट्टी के घड़े पे ऐसा निशान बन जाता है जो जिंदगी भर नहीं मिटता। आप सभी पंचों से, सरपंच जी आपसे मेरी विनती है कि इस मामले को माफी देकर खत्म ना करें। निहाल पुत्र, फिर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम लोग कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे कि आगे चलकर इस गांव में इस प्रकार की कोई घटना दोबारा ना हो। शहर के स्कूलों में इस प्रकार की सजाएं नहीं दी जाती, अगर गांव के स्कूल में सजा देनी है तो बच्चों को सुधारने के लिए दीजिए, ना कि उनको डराने के लिए। और अध्यापकों से मेरी विनती है कि अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल ना करें। हाँ जी सही गल है, हमें इस मामले में कुछ ना कुछ सही कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। देखिए दो दिन बाद बसंत पंचमी, शिक्षा का त्योहार है, मां सरस्वती का दिन है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा समय है जब हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सही कदम उठाएं। स्कूल बच्चों के सीखने की जगह बने, खेल या कोई सजा खाना नहीं, और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम पढ़ने और पढ़ाने के तरीकों में बदलाव लाएं। ये तो बहुत चंगी गल है जी। जी हाँ कोई सही कानून होना जरूरी है। निहाल सिंह जी ने एक बहुत ही चंगी गल सामने रखी है, उसे ध्यान में रखते हुए सब पंचों ने यह फैसला लिया है कि अब से कोई भी स्कूल बच्चों को ऐसी सख्त सजा नहीं दे सकता। और अगर दी तो पंचायत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, किसी भी तरह की माफी मंजूर नहीं की जाएगी। सब तो पहला उस टीचर को स्कूल से निकाला जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस की भी मदद ली जाएगी। बच्चों के साथ टीचर कैसे सलूक करें यह सिखाना स्कूल की जिम्मेवारी है प्रिंसिपल साहब, इसलिए पंचायत स्कूल के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। एक बात और बाकी, सरपंच जी मैंने देखा है कि आप लोग वीरा से कितना प्यार करते हैं। आज वीरा चुप है तो ऐसा लगता है पूरा पिंड चुप है। बस उस बच्ची की आवाज वापस लाने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए।